ये प्रॉब्लम इलीगल माइग्रेशन की प्रॉब्लम थी, बांग्लादेश की घुसपैठ की प्रॉब्लम थी, दूसरी तरफ आप देखिए कि उधर जो है उग्रवाद संगठन जो है वो एक अलग तरह से असम पूरे देश को चैलेंज देता रहा था। लेकिन आज अगर इन 10 सालों में उन सारी चीजों को आप देखिए तो सारे प्रॉब्लम एड्रेस हो रहे हैं और असम शांति के रास्ते पे चल पड़ा है। हेमंत बिस्वा सरमा को आप देखिए कि उन सारे इलाकों में एक फर्म डिसीजन लेके और वो जो सारे सरकार जो इम्प्लीमेंट करा रहा है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के ये उसमें एनआरसी का ये रहा हो या अभी सीए का जो मामला आया है उसका इशू हो, हर इशू में जो वहाँ लोकल नैरेटिव था उसको कम से कम जमीन पे खत्म उतारने का जो सबसे इम्पोर्टेंट काम किया है वहाँ का चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा सरमा है, और मजबूती के साथ लोगों में एक विश्वास दिलाया और असम के लोग उसके साथ खड़े रहे तो वहाँ कोई नैरेटिव नहीं चला। आपको याद होगा एएफडीएफ का आप जो बदरुद्दीन तैयब साहब का जो की पार्टी है वो इसी मुद्दे को लेके इलीगल माइग्रेशन का जो है उसको उसने ब्लफ बता दिया और उसको लेके वो अपनी तरह से एक पार्टी खड़ा कर ली, कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ समझौता कर लिया, कांग्रेस पार्टी का वो एलाइज बन गए और वो आप देखिए आज वो कांग्रेस पार्टी के एलाइज में नहीं है। लेकिन बदरुद्दीन को आप देखिए कि वो वहां पे कम से कम 10-15 सीटें जीतने के स्थिति में पहुंच गए, वो लोकसभा में सांसद बनने की स्थिति में पहुंच गए। तो ये स्थिति जो आप एक पॉलिटिकल नैरेटिव दिया था उस नैरेटिव का नतीजा था। आज असम के लोगों ने इस रियलिटी को समझा है तो आप देखिए वो हेमंत बिस्वा सरमा के साथ में खड़े हैं। ये सिर्फ असम, सिर्फ वहाँ पे हिंदू ही नहीं, मुस्लिम जो असमिया मुस्लिम है वो भी हिंदू उसके सपोर्ट में हेमंत शर्मा बिस्वा सरमा के साथ में खड़े हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कई इलाके ऐसे असम के ऐसे हैं जिसकी पूरी डेमोग्राफी बदल गई है और अगर ये डेमोग्राफी बदल गई है तो असमीज कल्चर का क्या होगा, ये सवाल वहाँ के जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है। तो ये बात समझने की जरूरत थी जिसको पिछले 50 सालों में नहीं समझा गया और आज जब हेमंत बिस्वा सरमा ने वो करके दिखाया है तो आप देखिए उसके साथ में हेमंत बिस्वा सरमा के साथ में न वहाँ के सिर्फ हिंदू हैं बल्कि वहाँ के जो ओरिजिनल मुस्लिम हैं वो भी हेमंत बिस्वा सरमा के साथ में हैं और उतनी मजबूती से खड़े हैं। विनोद जी, असम की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर दो बार से राज्य में बीजेपी की सरकार है और केंद्र की भी हम बात करें तो लगातार कनेक्टिविटी पे काफ़ी काम हुआ है, तो चाहे वो फिजिकल कनेक्टिविटी हो या उसके अलावा एक मेंटल कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें दिल्ली के साथ, देश के बाकी हिस्सों के साथ, जो उत्तर पूर्व के राज्यों की या असम की हम बात करें, ये कितना फ़ायदेमंद होने वाला है बीजेपी के लिए? देखिए जो ये हम लोग कहावत में कहते थे कि दिल्ली दूर है, तो मैं तो ये कहूँगा कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए तो शायद ये कितने बरस तक ये ऐसा ही स्लोगन रहा था उन लोगों के लिए, ये प्रोवर्ब रहा होगा कि दिल्ली दूर है, क्योंकि दिल्ली से क्या राजधानी, दिल्ली से कैपिटल से कनेक्टिविटी क्या, उनको अपने एक से दूसरे स्टेट के लिए कनेक्टिविटी नहीं थी। आज अगर नॉर्थ ईस्ट में आप ये कल्पना कर सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में कभी वो दौर था जब एक एयरपोर्ट होते थे और वो एयरपोर्ट से या आर्मी के या एयरफोर्स के जो एयरपोर्ट होते थे उस एयरपोर्ट से वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन, सिविल ट्रांसपोर्ट सब लगभग कुछ कुछ इलाकों में होता था जी। आज आप ये देखिए कि नॉर्थ ईस्ट में ट्रेनें जा रही है, नॉर्थ ईस्ट में 11-12 से ज्यादा एयरपोर्ट बने हुए हैं, नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी के आलम ये है कि आप बिहार से अगर आप जान देखिए कि वहाँ से आप 3 घंटे के रोड कनेक्टिविटी का मैं बता रहा हूँ कि बिहार के उस हाईवे एक्सप्रेसवे पे आप 3 घंटे चल के वहाँ आप गुवाहाटी पहुँच सकते हैं, 3 घंटे पहुँच के बिहार से आप वहाँ सिक्किम पहुँच सकते हैं, ये इस देश का हाल है। तो आप बताइए कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कितनी दूर रह गया है। तो ये इस चीज ने लोगों को ये पहली बार एक नॉलेज किया है कि वो भी भारत के उतने ही हैं जितने ही भारत के यूपी वाले हैं, जितने ही भारत के बिहार वाले हैं, जितने ही भारत के कोई और स्टेट वाले हैं, उतने ही आज इस नरेंद्र मोदी के 10 साल ने नॉर्थ ईस्ट के हर स्टेट को फील कराया है कि उतना ही मणिपुर वाला भारत का है, उतना ही सिक्किम वाला भारत का है, उतना ही
असम वाला भारत का है, जितना यूपी बिहार राजस्थान मध्य प्रदेश का है, ये सिर्फ एक कनेक्टिविटी ने साबित किया है। जोशी जी बिल्कुल, विनोद जी हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त दर्शकों की जानकारी के लिए हम बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम की राजधानी गुवाहाटी में इस वक्त एक रोड शो कर रहे हैं और वहां पर भारी संख्या में वहां पर लोग मौजूद हैं सड़क के दोनों ओर। वो प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। हमारे वरिष्ठ संवाददाता विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी फिर एक बार मैं जो घुसपैठियों की हम लोग बात कर रहे थे उसी की ओर वापस आना चाहूँगा। असम में चाहे हम जो बोडो इलाका है वहाँ की हम बात करें, असम के विभिन्न इलाकों की हम बात करें, तो ये एक बड़ी समस्या थी और इस समस्या कहीं ना कहीं हम देखें तो ये समस्या वहाँ पर जो पहले कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी उसको सत्ता से उखाड़ने में इस समस्या ने बहुत बड़ा वहाँ पर योगदान किया है। और पिछले 10 साल में वहाँ पर राज्य में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो इस समस्या का कितना समाधान हुआ है? देखिए मैं ये यही बात आपसे दोहरा रहा था कि ये समस्या के लिए कम से कम इतना मैं कहूँगा, पिछले 10 वर्षों से एक चीज तो देश के सामने में एक बड़ी समस्या थी कि जो अब नॉर्थ ईस्ट का उग्रवाद है उसका हल क्या है, उसका हल क्या है, ये समस्या के लिए सारे डिफेंस स्ट्रेटेजी से लेके सारे लोग कहो कि मत्था पच्ची होती थी कि वो लोग कोई अलग देश नहीं मांग रहे हैं, वो लोग जो इंसर्जेंसी जो है उसमें वो सिर्फ अपने लिए एक अलग स्पेस मांग रहे थे और वो उसका एक उग्रवाद की वो सीमा थी कि आप ये देखिए कि सरकारें इस तरह से वहाँ मजबूर थी कि सारे पोरस बॉर्डर हैं म्यांमार से लेके और उधर वहाँ आप देख लीजिए उस स्टेट का, तो वो सारे इतना खुला खुला सा था कि बहुत मुश्किल था कि किसी भी उग्रवादी संगठन पे काबू पाना और उसको इस तरह से उस पर कार्रवाई करते हुए दिखना। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी राजनीतिक इच्छा शक्ति की। राजनीतिक इच्छा शक्ति मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक दौर था, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा या मैं किसी के उसमें इसको इन्वॉल्व नहीं करूंगा, लेकिन मैं जानता हूँ इस चीज को कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में वहाँ जो ये लोकसभा के चुनाव होते थे या विधानसभा के चुनाव होते थे उसमें सीधे जो मिलिटेंट ग्रुप थे उनका इंटरफेरेंस होता था और वो किक बैकिंग होती थी। तो आप कल्पना कीजिए कि नॉर्थ ईस्ट लोगों के आम लोगों के लिए क्या नॉर्थ ईस्ट आ गया था, जो डेवलपमेंट का पैसा आता था जो राज्य सरकारों को मिलता था उसमें एक कट जो है वो सीधा इन्हीं मिलिटेंट ग्रुप को मिलता था, छोटा छोटा स्प्लिंटर ग्रुप का। एक स्टेट में कम से कम 10-20 ऐसे मिलिटेंट ग्रुप होते थे, चाहे वो मणिपुर ले लीजिए आप या असम ले लीजिए आप या नागालैंड ले लीजिए आप, इन सब स्टेट में एक छोटे से स्टेट में अब 10-10 मिलिटेंट सर्वाइव करता था सिर्फ फंड के लेके, और उनकी ताकत पॉलिटिकल फंडिंग थी। एक एमपी चुनाव जीतता था उसमें उस मिलिटेंट का, उस मिलिटेंट आउटपुट का बहुत बड़ा रोल होता था क्योंकि वो हेलमेट में छोटे छोटे पहाड़ी इलाके में उनका प्रभाव होता था। तो एक तरह से वो एमपी के चुनाव में सौदेबाजी करते थे, एमएलए के चुनाव में सौदेबाजी करते थे। तो आप जान लीजिए कि जिस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इतने मिलिटेंट आउटफिट का वहां चल रहा हो उसको आप लोकतंत्र के लिए खतरा आज नहीं बता रहे हैं, उसको उस समय में संविधान खतरे में नहीं बताया जा रहा था और लगभग मैं कहता हूं कि दिल्ली की हालत एक सरेंडर्ड की हालत थी क्योंकि वहां जो भी जीत के आते थे उसमें उसकी भूमिका होती थी। ये पिछले 10 साल में ये ऐसा नहीं दिखा है और ये इसलिए ऐसा नहीं दिखा है कि वो एक नेतृत्व का विश्वास होता है कि जनता उसके साथ खड़ी होगी तो फिर ये मिलिटेंट आउटफिट कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जो आप जम्मू कश्मीर में आप देख रहे हैं कि जब आर्टिकल 370 के लिए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर में खून की नदियां बहेगी और तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा, तो शायद वो भूल गई कि एक ललक से जम्मू कश्मीर के लोग इस आर्टिकल 370 रिपेकेशन का स्वागत करने के लिए तैयार बैठी है, तो एक पत्ता नहीं हिला और वही नॉर्थ ईस्ट का हुआ। और अब देखिए धीरे धीरे सारे समस्याएं, जैसे मिलिटेंट आउटफिट का फंड बंद हुआ, उनके पैसे बंद हुए, उनकी किक बैकिंग बंद हुई, उनका पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज थी वो बंद हुई, आप देखिए कि सारे के सारे छोटे छोटे स्प्लिंटर ग्रुप कैसे तबाह हो गए। तो ये कोई जादू नहीं है, ये कोई जो बात लोग अभी डिफरेंट चैनल पे आप देखिए जिस तरह से
कहानी गढ़ रहे हैं, ये एक दिन में नहीं होता है, वो उसके लिए पूरी लगन मेहनत करने के इस ग्राउंड सिचुएशन को जानना होता है। ये इस देश को आप ये बता सकते हैं, मैं इस बात के लिए कम से कम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफ करना चाहूंगा कि जितना ट्रबल एरिया है इस देश में, उसमें कम से कम नरेंद्र मोदी ने पर्सनली उस जगह का विजिट किया है, उसमें टाइम लगाया है, चाहे वो संघ के कार्यकर्ता के रूप में हो या बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में, सचिव महासचिव के रूप में हो, वहां पे उसमें अपना पर्सनल कनेक्शन जोड़ के वहां लोगों की समस्या को सुना है, उस समस्या को समझा है। तो ये देश का नेतृत्व है जो देश की समस्याओं को भलीभांत समझ रहा है, देश का नेतृत्व है जो एक तरह से इस बात के लिए जिद कर बैठा है कि भारत की इंटीग्रिटी, राष्ट्र प्रथम की जब बात आप करते हैं तो देश प्रथम, दल बाद में, और ये संकल्प जो है वो भी एक नॉर्थ ईस्ट में बड़ा काम किया है। जोशी जी बिल्कुल, विनोद जी इसके अलावा अहोम सेनापति लचित बारफुकन की हम बात करें, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने खुद वहां पर गए और काफी उनकी जो विरासत है उस विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया, ये आप किस तरह से देखते हैं, जो प्रधानमंत्री विभिन्न राज्यों में जो विरासत को खासा महत्व देते हैं और असम में भी हमने इसको देखा। देखिए ये जब प्राइम मिनिस्टर का आप कल ही देखे होंगे कि जो इंटरव्यू में वो बता रहे थे कि ये देश विविधताओं का देश है, जो ये डाइवर्सिटी जो है उसकी यूनिटी, यही इस देश की खूबसूरती है। और आप ये देखिए कि इस चीज को एक तरह से कैसे नैरेटिव बनाया जाता है, पूरे इलेक्शन कैंपेन में इसको एक तरह से आप अभी देखिए कि राहुल गांधी का जितना कैंपेन हो रहा है, राहुल गांधी अब अपने 5 न्याय और 25 गारंटी को भूल गए। अब वो कैंपेन में उनका नैरेटिव होता है कि बीजेपी को 400 सीटें आ जाएगी, तो 400 सीटें बीजेपी क्यों कह रही है, उसका सीधा सीधा ये कहना है कि वो संविधान बदल देंगे, वो एक देश एक भाषा एक लैंग्वेज ले आएंगे। तो ये समझने की चीज है कि ये जो नैरेटिव है वो उस प्राइम मिनिस्टर के साथ में है जो तमिलनाडु का संगोल लेके पार्लियामेंट के अंदर दाखिल होता है, वो उस प्राइम मिनिस्टर के लिए है कि यूनाइटेड नेशन में तमिल भाषा के लिए सबसे पहला, ये देश का पहला प्राइम मिनिस्टर होगा कि तमिल भाषा के लिए यूनाइटेड नेशन में अपने देश की सबसे प्राचीन भाषा, दुनिया के प्राचीन भाषा के रूप में स्थापित करता है। यही चीज में जब आप पूछ रहे थे असम में, तो आप देखिए कि वहाँ के जो लोकल कल्चर है, वहाँ के जो लोकल ट्रेडिशन है, उस चीज को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि वो वहाँ की पहचान है, अगर वो असम की पहचान है तो ये भारत की एक विविधता की पहचान है। और जब प्राइम मिनिस्टर खुद उस चीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए वहाँ सामने में, लोगों के सामने में खड़े होते हैं, वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ की सांस्कृतिक फेस्टिवल जो है वहाँ उसमें अपना पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये बात समझनी पड़ेगी कि ये नैरेटिव और वहाँ का नैरेटिव जब वो जमीन पे उतरते हैं तो लोगों को कौन सा नैरेटिव डाइजेस्ट होता होगा। तो ये चीजें प्राइम मिनिस्टर के लिए जब आप देखते हैं, तो कम से कम ये सारे जो भी नैरेटिव चल रहे हैं मार्केट में अभी इलेक्शन के टाइम में, वो कभी टिक नहीं पाता है, इसकी वजह सिर्फ वही तस्वीर है जो आज की तस्वीर जो आपने दिखाया है। जोशी जी बिल्कुल, विनोद जी इसके अलावा अगर हम बात करें असम की ही हम बात करें, तो वहाँ पर चाय प्रचुर मात्रा में वहाँ पर होती है, उसके अलावा हम पेट्रोलियम की बात करें, पेट्रोलियम का काफ़ी वहाँ पर स्कोप है और ऑलरेडी वहाँ पर काम भी चल रहा है, तो इन सब क्षेत्रों को आगे बढ़ाकर वहाँ पर काम करना, जो केंद्र सरकार के पिछले 10 साल के काम रहे हैं, वो सब का कितना फायदा वहाँ पर बीजेपी को होने वाला है? देखिए वहाँ के लोग भी जानते हैं जोशी जी कि पोटेंशियल वहाँ के नॉर्थ ईस्ट की कमी नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के चाहे असम हो या दूसरे स्टेट को आप देखिए, वहाँ अभी तक टूरिज्म मैप पे आया ही नहीं था। वहाँ की टूरिज्म की जो पॉसिबिलिटीज है, वहाँ आप ये देखिए कि ऑर्गेनिक खेती की जो पॉसिबिलिटीज है, वहाँ आप सिर्फ एक असम है जहाँ पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट की भी ये है, लेकिन उतनी बड़ी तादाद में नहीं है, फिर भी वहाँ एक लगातार ये कोशिश होती रही है कि वहाँ भारत की जो खनिज संपदा के रूप में असम को एक तरह से किया जा सकता है, एक बड़ा बनाया जा सकता है। दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इन सारे चीजों में पीस सबसे बड़ा फैक्टर होता है। ये पीस मैं इसलिए कह रहा हूं कि कभी इसके दौर था जब दौर में असम क्या पूरे नॉर्थ ईस्ट में जाना, कनेक्टिविटी भी की प्रॉब्लम थी और इंसर्जेंसी के कारण भी लोग जाना आना नहीं चाह रहे थे,
और आज आप देखिए कि नॉर्थ ईस्ट में कोई भी हिल स्टेशन आपको या कोई भी वहाँ के जो खूबसूरत प्लेसेस हैं वहाँ भीड़ होती है पूरे के पूरे गर्मियों के सीजन में, पूरे नॉर्थ इंडिया आजकल नॉर्थ ईस्ट में होती है। तो ये पोटेंशियल जो है उस पोटेंशियल को लोगों ने कनेक्टिविटी के बाद समझा। अब जो कनेक्टिविटी बनी है और लोग वहां पे पहुंच रहे हैं, लोग जा रहे हैं, लोकल चीजों की खरीदारी हो रही है, तो जाहिर सी बात है भारत के इतने बड़े बाजार में नॉर्थ ईस्ट खासकर के असम का जो प्रोडक्ट है उसका सीधे एंट्री हुई है। तो आप सोच लीजिए कि उस स्टेट के GDSSP जो है वो कितना बड़ा होगा। दूसरी बात कि देखिए कि सबसे बड़ी बात ये थी कि अभी तक नॉर्थ ईस्ट के लिए जब सेंटर से पैसा जा रहा था वो सारे नॉर्थ ईस्ट का पैकेज होता है सेंटर की तरफ से, वो एक आप कह सकते हैं कि उनका एक स्पेशल ये बनता है पैकेज बनता है, जो दूसरे स्टेट से बाल हटाओ और केमिकल्स की बदबू भी। बी शॉ लूज वीट प्योर। नरेंद्र मोदी जी को जय श्री राम। पूर्णिया की जनता की तरफ से जय जय श्री राम। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जय जय श्री राम। अब हमारे बीच हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री युग पुरुष संत आत्मा जिन्होंने हमारे भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाने का कार्य किया है, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री हम सबों के बीच प्रस्तुत है, उपस्थित है। ये हम सभी पूर्णियावासियों के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। एक बार हम सभी जोरदार करतल ध्वनि के साथ उनका स्वागत करेंगे। जोरदार ताली होनी चाहिए। भारत माता की जय। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारत माता की। भारत माता की। वंदे वंदे। अब मैं अगले स्वागत भाषण के लिए NDA प्रत्याशी पूर्णिया श्रीमान संतोष कुशवाहा जी से आग्रह करती हूं कि वो यहां पर आए और अपने स्वागत भाषण से माननीय प्रधानमंत्री जी को स्वागत करें। आज के इस चुनावी सभा में परम आदरणीय देश के जन जन के संकट मोचक युग दृष्टा विश्व में भारत का परचम लहराने वाले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आपका मां पूरन देवी की धरती संत शिरोमणि महर्षि मही जी महाराज की कर्मभूमि, आंचलिक कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु की धरती, भोला पासवान जी की धरती पे आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम आपके आभारी हैं। आप यहां पहुंचकर हमें अपना आशीर्वाद देने का काम किया है। इस मंच पे उपस्थित सम्मानित मंच राज्यसभा सांसद संजय झा जी, बिहार सरकार के मंत्रिपरिषद के सदस्यगण, माननीय विधायकगण, नगर परिषद की महापौर, मंच पे बैठे सभी सम्मानित जिला अध्यक्ष और NDA के कार्यकर्ता साथी, आप सबों ने
और अलग अलग हिस्से से आए हुए सभी सम्मानित जनता जनार्दन, आप सभी मालिक को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। आप सबों ने मुझे दो बार आशीर्वाद देके लोकसभा भेजने का काम करने का काम किया है। 2005 के पहले यहां की स्थिति क्या थी? न बिजली थी, न सड़कें थी, किसी चीज का अस्तित्व ही नहीं था। सूबे में तो जंगल राज था, लेकिन पूर्णिया में महाजंगल राज था। और उसी जंगल राज के संस्थापक सदस्य आज आप सबों के बीच में भेष बदल कर आए हैं और आपके आंखों में धूल झोंकने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुरूपिया प्रत्याशी के समय कितनी बहनों ने विधवा हो गई, कितनी मां के कोख उजर गए, यह आप सबको पता है। क्या आप चाहेंगे कि फिर से पूर्णिया में ऐसे जंगल राज की वापसी हो? हमारे प्रतिद्वंदी पूछते हैं कि 10 वर्षों में मैंने क्या किया। मैं बताता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में सुशासन आया, गुंडा राज समाप्त हुआ, रंगदारी टैक्स बंद हुई, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, जीएनएम कॉलेज, एनएम कॉलेज खुलने का काम हुआ। और हम लोग तो कलम और किताब बांटने वाले लोग हैं, हम लोग कोई पुरलिया में आर्थ गिरा के बांटने वाले लोग नहीं हैं। और इतना ही नहीं, पूर्णिया में मेरे कार्यकाल में पासपोर्ट ऑफिस भी खुला, बिहार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कार्यालय भी खुली, सीमेंट सेंटर जो पशुओं के सुधार के लिए खुला, 6 लेन सड़क का निर्माण, यहाँ पे व्यवसाय के लिए भय मुक्त वातावरण बनाया गया, दर्जनों मॉल खुली, दर्जनों अस्पताल खुले, कई काम ऐसे हुए हैं। यहाँ पे नामचीन वाहनों की, नामचीन जो देश का प्रोडक्ट है उसका यहाँ पे सभी चीजों का शोरूम खुला। आप सबने 15 वर्ष में क्या किया? जब आपने यहाँ पे आपको मौका मिला था तो वो हम बताते हैं आपने क्या किया। बहुत मुश्किल से 15 वर्षों में पूर्णिया का जो दाग झूला है उस दाग को फिर से पूर्णिया में नहीं पड़ने देना है। यह जो अराजक स्थिति थी उसको नहीं आने देना है। आपको बताते हैं कि आपने 15 सालों में क्या किया। आपने 15 सालों में 30 से अधिक राजनीतिक हत्या करवाने का काम किया और 30 से अधिक व्यवसायियों को यहां से पलायन करने के लिए मजबूर किए, यहां के डॉक्टरों को पलायन करने के लिए मजबूर किया। आपने यहां के हमारे पूर्व विधायक शहीद अजीत सरकार को 100 गोलियों से भुजवाने का काम किया। ये जनता ने आपको काम किया। एक प्रत्याशी लालटेन लेके आया हुआ है, उससे भी हम कहेंगे कि हमारी ही पार्टी में थी लेकिन उनको नीतीश जी ने जमीन से उठा के बिहार सरकार में मंत्री तक बनाने का काम किया, उसके भी पीठ में खंजर डालने का काम उन्होंने किया है। इसीलिए आज प्रधानमंत्री जी आए हैं, जो पूर्णिया का विकास तेज गति से बढ़ रहा है और तेजी से बढ़े, माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद और माननीय प्रधानमंत्री जी आज आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। ये हम सबके लिए गर्व की बात है। जो पूर्णिया का एयरपोर्ट का मामला है, 2025 में तक पूर्णिया का एयरपोर्ट चालू हो जाएगा, माननीय प्रधानमंत्री जी है तो इस चीज की गारंटी है। और जो विकास के काम है, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से आग्रह करती हूँ, जो जिसे सुनने के लिए हम सभी यहाँ पूर्णिया की पावन धरती पर, बहुत बहुत स्वागत है एक बार जोरदार तालियों से। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
Stick energy. What a shot, yeah. Clear to engage. डाट ने बचाई मशहूर उद्योगपति की जान, एन मौके पे लगा शार्प शूटर को चूक गया निशाना। एनर्जी का किंग स्टिंग। जय माई पूरण देवी, बिसहरी माई की जय। मैं भक्त प्रहलाद और महर्षि मही बाबा की इस पावन धरती को नमन करता हूं। मौर्य साम्राज्य के रूप में भारत के गौरव को दूर दूर तक फैलाने वाले सम्राट अशोक की आज जयंती भी है। उनसे प्रेरणा लेने वाले बड़ी संख्या में लोग आज भाजपा को अपना आशीर्वाद देने आए हैं। एनडीए सरकार की तीसरी पारी को लेकर पहले से भी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। आपका ये उत्साह बता रहा है फिर एक बार विकसित भारत के लिए 4 जून साथियों, आज एनडीए सरकार के लिए वंचित शोषित वर्ग हमारी पहली प्राथमिकता है। जिसको किसी ने नहीं पूछा, हम उसको पूज रहे हैं। एक समय था जब केंद्र की सरकारें बिहार को पिछड़ा कहकर पीछा छुड़ा लेती थी। बिहार की सरकारें सीमांचल को पिछड़ा कहकर के पलड़ा झाड़ लेती थी, लेकिन हमने सीमांचल और पूर्णिया के पूर्ण विकास को अपना मिशन बनाया है। एनडीए सरकार ने सीमांचल के भाग्य को बदलने के लिए आकांक्षी जिला और अब आकांक्षी ब्लॉक ऐसी बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना चलाई। आज हमारे पूर्णिया ने देश में सबसे बेहतर प्रगति करने वाले आकांक्षी जिलों में अपनी जगह बनाई है। मैं इसके लिए पूर्णिया के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आपका उत्साह अद्भुत है। ऐसा उत्साह बहुत कम ही देखने को मिलता है। बिल्डर से पूछेगा, डीलर से पूछेगा, साइट पे पूछेगा, जाके साइट में पूछेगा, अ प्रेफर्ड यूनिट पूछेगा, व्हेन एंड व्हाई आरओआई, कब तक पूछते रहोगे? घर में इन्वेस्ट होकर ना 99 एकड़ से ही पूछना।
लेकिन अगर आपका उत्साह मेरी आवाज पहुंचने ही नहीं देगा तो फिर इस सभा का फायदा क्या होगा। तो मेरी बात वहां बैठे लोग सुन सके, इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आपके नारे आपके उत्साह को थोड़ा नीचे करें तो अच्छा होगा। हम करेंगे मेरी बात को, मेरी बात को मानेंगे, पक्का मानेंगे। बिहार के लोग इतने बढ़िया है, यहां के नौजवान इतने बढ़िया है कि मेरी हर बात को स्वीकार करते हैं, ये मेरा सौभाग्य है। साथियों, बिहार और पूर्णिया के पास सामर्थ्य की कभी कमी नहीं थी। हमारे बिहार का किसान भरपूर मक्का उत्पादन करता है, बिहार में जूट और मखाने की खेती भी खूब होती है। पिछले 10 वर्षों में हमने जूट की एमएसपी को बढ़ाकर 2 गुना किया है। बिहार का 20% मखाना अकेले पूर्णिया के किसान ही पैदा करते हैं। हमने आपके इस सामर्थ्य को प्रोत्साहन दिया, नतीजा ये हुआ कि आपने मखाना के सीड प्रोडक्शन को करीब 2 गुना कर दिया। आज एनडीए सरकार मखाने को सुपर फूड के रूप में प्रमोट कर रही है। मोटे अनाज यानी श्री अन्न की तो मोदी ने पूरी दुनिया में मार्केटिंग की है। आपने G20 में देखा होगा, मोदी ने दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को श्री अन्न मोटा अनाज खिलाया, कहा कि हमारे छोटे किसानों की मेहनत है इसमें। अब मोटा अनाज गरीब का खाना नहीं, अमीरों का खाना बन रहा है। इसका फायदा सीधे हमारे किसानों तक पहुंच रहा है। मक्के को भी मुनाफे की फसल बनाने के लिए हमारी सरकार ने एमएसपी पर खरीद बढ़ाई और अब तो मक्के से एथेनॉल भी बनाया जा रहा है। देश का पहला, पूरे भारत का पहला ग्रीन फील्ड एथेनॉल प्लांट पूर्णिया में लगाया गया है। हमारे नीतीश जी ने ही इसका उद्घाटन किया था। साथियों, कृषि और उद्योग के इन अवसरों को गति देने के लिए पूर्णिया में रेल और रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आधुनिक बनाया जा रहा है। कुछ समय पहले ही मैंने कटिहार जोगबानी रेल सेक्शन के विद्युतीकरण लोकार्पण किया था। हमारी सरकार सीमांचल में अच्छी सड़कों का निर्माण भी करवा रही है और अब तो वो दिन दूर नहीं जब पूर्णिया में हवाई जहाज भी उतरेगी। हमारी सरकार सीमांचल में वंदे भारत, नमो भारत जैसी ट्रेनों के जरिए कनेक्टिविटी बढ़ाने और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी काम करेगी। साथियों, मोदी के लिए आपके सपने ही
मोदी का संकल्प है। इसलिए गांव, गरीब, दलित, वंचित, दशकों से जिन समस्याओं से जूझ रहे थे, मोदी ने 10 साल में उनका समाधान दिया है। देश के 25 करोड़ गरीबी से बाहर तब आए जब हमने दिन रात उनके लिए मेहनत की। देश के 4 करोड़ गरीबों को पीएम आवास तब मिला जब आपने मोदी को सेवा करने का आशीर्वाद दिया। देश के 50 करोड़ से ज्यादा दलितों, वंचितों, गरीबों का बैंक में खाता तब खुला जब आपने मोदी को आशीर्वाद देकर के सेवा करने का मौका दिया। करोड़ों माताओं बहनों को चूल्हे के धुएं से मुक्ति तब मिली जब मोदी ने उज्ज्वला सिलेंडर देकर उनकी सूद ली। देश के 11 करोड़ परिवारों तक पहली बार पाइप से पानी तब पहुंचा जब मोदी ने हर घर जल को अपना मिशन बनाया। आज 11 करोड़ छोटे किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि भी एनडीए सरकार ही भेज रही है। इन योजनाओं का बहुत बड़ा लाभ हमारे ततमा समाज, महलदार समाज और ऋषिदेव समाज के मेरे परिजनों को भी हुआ है। लेकिन साथियों, मोदी इतने से संतुष्ट नहीं है। जो काम हुआ है ना, वो तो ट्रेलर है ट्रेलर। अभी हमें पूर्णिया को, सीमांचल को, बिहार को और पूरे हिंदुस्तान को बहुत आगे लेकर जाना है। Strong processes and risk management help you achieve your goals steadily and sustainably. Nippon India Mutual Fund. Wealth sets you free. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. कई बार लोग पूछते हैं कि मोदी के लिए समाज के आखिरी पायदान पर खड़ा व्यक्ति हमारा दलित, पिछड़ा, आदिवासी, ये इतनी प्राथमिकता क्यों है? ये समाज मोदी की प्राथमिकता इसलिए है क्योंकि यही समाज सबसे ज्यादा गरीबी से प्रभावित है और मोदी गरीबी से ही निकलकर आपके बीच आया है। मोदी के ऊपर अपने इस समाज का, बाबा साहब का और उनके संविधान का बहुत बड़ा कर्ज है। इसलिए हमारी सरकार ने संविधान को एक श्रद्धा का स्थान मिले, संविधान को आस्था का स्थान मिले, संविधान के प्रति देश का प्रत्येक व्यक्ति समर्पित हो, संविधान की भावना को हर देशवासी तक पहुंचाने के लिए लगातार काम किया है। हमारी ही सरकार ने
देश में संविधान दिवस मनाने की शुरुआत की। आज बाबा साहब के संविधान को सेलिब्रेट करने के लिए बच्चों के स्कूलों से लेकर सुप्रीम कोर्ट और संसद तक में कार्यक्रम किए जाते हैं और ये वर्ष तो बहुत विशेष है। इस साल संविधान के 75 वर्ष की शुरुआत हो रही है। जैसे हमने आजादी के 75 वर्ष पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, इसी तरह इस वर्ष हमें संविधान के 75 वर्ष का पर्व मनाना है। हमने तय किया है हम देश के कोने कोने में बाबा साहब के संविधान की भावना को लेकर जाएंगे। देश की युवा पीढ़ी को देश की गौरवशाली संविधान के निर्माण की प्रक्रिया, उसके अध्याय, उसका महत्व बताएंगे। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने आपातकाल में संविधान को रद्द करने, संविधान को बंधक बनाने और संविधान को तोड़ने मरोड़ने का काम किया था। हमें याद रखना है जो लोग 57 सरकार को एक परिवार की मुट्ठी में रखना चाहते हैं, संविधान उनकी आंखों में हमेशा खटकता है। इसलिए अब ये लोग संवैधानिक व्यवस्था से हुए चुनाव के नतीजों को अस्वीकार करने की धमकी देने लगे हैं। लेकिन इनके मंसूबे कामयाब न हो, संविधान दलित, पिछड़ा, आदिवासी की ताकत बना रहे, इसके लिए हमें एकजुट होकर साथ खड़े रहना है। साथियों, अगले 5 वर्षों के कामकाज के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। इस संकल्प पत्र में मोदी ने गारंटी दी है देश के सभी जरूरतमंदों को आगे भी फ्री राशन, मुफ्त राशन मिलता रहेगा। मोदी ने गारंटी दी है गरीब, दलित, वंचित के कल्याण से जुड़ी योजनाओं को हम हर जरूरतमंद तक लेकर जाएंगे। हमारी सरकार 3 करोड़ नए पक्के घर बनाएगी। देश में 70 साल से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को मुफ्त इलाज की जिम्मेदारी भी सरकार उठाएगी। आप अपने परिवार में अपने बुजुर्गों को कह दीजिए अब वो बीमारी को छुपाए नहीं, अगर कोई तकलीफ है तो मोदी बैठा है। ये मोदी की गारंटी है। साथियों, पिछले 10 वर्षों में एनडीए सरकार ने वो काम किए हैं जिन्हें पहले असंभव माने जाते थे। आज हर कोई कह रहा है बड़े कामों का दम सिर्फ भाजपा के पास है, एनडीए के पास है। आपको याद होगा पहले अड़ोस पड़ोस के देश यहां हमला करके चले जाते थे, सीमा पर हमारे जवानों की आए दिन शहादत होती थी। आप लोगों को दुख के साथ ही गुस्सा भी आता था, आपका मन करता था
ना कि इन्हें घर में घुसकर मारो। मोदी ने आपकी इच्छा का पालन किया और इसका नतीजा क्या हुआ? जो देश हमें आंखें दिखाता था वो कटोरा लेकर के भटक रहा है। जिस दुनिया ने हमको संभाला वो है अपने हवाले। साथियों, दशकों से देश में लोग मांग कर रहे थे कि कश्मीर में अलग झंडा, अलग संविधान नहीं चलना चाहिए। जो लोग दिन रात संविधान के नाम पर हमको गालियां देते हैं ना, इतने दशकों तक उन्होंने राज किया, आजादी के बाद उनके हाथ में सत्ता आई, अब तक आई, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं थी कि बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान को जम्मू कश्मीर में लागू कर पाए। बाबा साहब का संविधान वहां लागू नहीं होता था। ये मोदी है जो संविधान को समर्पित है। आज जम्मू कश्मीर में भी आन बान शान के साथ हमारा संविधान लागू हो गया। कश्मीर से आपकी इच्छा थी 370 हटनी चाहिए, तो ये गमंडिया गठबंधन वाले क्या कहते थे? ये कहते थे कि 370 हटी तो कश्मीर में आग लग जाएगी। आज आर्टिकल 370 का द एंड हो चुका है। अगर कश्मीर में नहीं, भारत को बांटने वालों के मंसूबों में जलन हो रही है, आग लगी है। साथियों, कल रामनवमी का पवित्र त्यौहार भी है। ये लोग राम मंदिर के लिए भी यही कहते थे, बोलते थे कि राम मंदिर बना तो देश में आग लग जाएगी। आज हमारा राम मंदिर पूरी दुनिया में भारत का गौरव बढ़ा रहा है। अब कुंठा में गिरे ये कांग्रेस के लोग, गमंडिया गठबंधन के लोग राम मंदिर का अपमान कर रहे हैं। गमंडिया गठबंधन ने तो सनातन को मिटाने की कसम खा रखी है। 26 अप्रैल को आपका वोट इन्हें बताएगा कि सनातन मिटता है या ये लोग रहते हैं। साथियों, हमारा सीमांचल बिहार का एक संवेदनशील इलाका है। वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने पूर्णिया और सीमांचल को अवैध घुसपैठ का ठिकाना बनाकर यहां की सुरक्षा को दांव पर लगाया है। इसका शिकार हमारे दलित, वंचित, पिछड़े और गरीब को होना पड़ा है। हमारे दलित भाइयों के घरों तक को जलाया गया था। लेकिन मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाला हर तत्व सरकार की नजर में है। 4 जून का परिणाम
इसी सीमांचल की सुरक्षा तय करेगा। और जो लोग राजनीतिक फायदे के लिए सीएए का विरोध कर रहे हैं, वो भी एक बात जरूर जान ले, ये मोदी है ये न डरने वाला है और न ही झुकने वाला है। साथियों, आपने वो दौर भी देखा है जब बिहार में जंगल राज था, उस समय बिहार के इस इलाके में महाजंगल राज हुआ करता था। हिंसा, अराजकता, अपहरण और भ्रष्टाचार का यहां उद्योग चलता था। नीतीश जी के नेतृत्व में हमने बहुत मुश्किल से उस दौर को बदला है, लेकिन आज एक बार फिर जंगल राज और महाजंगल राज वाले लोग उस दौर की वापसी चाहते हैं। इनका एक ही एजेंडा है, भ्रष्टाचार और लूट। हमारे पूर्णिया में कहते हैं ना, हर भय से खर खाए, बकरी खाए अचार। भाव ये मेहनत गरीब जनता करे और मलाई ये आरजेडी वाले लूटे। मोदी के रहते ये मुमकिन नहीं है, इसलिए सब भ्रष्टाचारी के लूट के ठिकाने बचाने के लिए वो अब एक हो रहे हैं। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, ये कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ, मैं आपको एक गारंटी देता हूं, अगले 5 साल भ्रष्टाचार के खिलाफ और बड़ी कार्रवाइयों के 5 साल मान के चलिए। साथियों, पूर्णिया से एनडीए उम्मीदवार श्री संतोष कुमार जी, और कटिहार से दुलाल चंद्र गोस्वामी जी, ये हमारे प्रत्याशी हैं। 26 अप्रैल को आपको इसी उत्साह के साथ इन्हें वोट करना है। पूर्णिया और कटिहार से जीत का रिकॉर्ड बनाना चाहिए। बनाओगे, घर घर जाओगे, पोलिंग बूथ जीतोगे, पोलिंग बूथ जीतना है जीतोगे, हर पोलिंग बूथ जीतना है जीतोगे। अच्छा, मेरा एक और काम करोगे, करोगे क्या? ये मेरा काम है, करोगे? देखिए, यहां से जाने के बाद घर घर जाइए और जाकर के सबसे कहिए कि हमारे मोदी जी आए थे, उन्होंने आपको प्रणाम कहा है। मेरा प्रणाम पहुंचा दोगे? देखिए, मेरा प्रणाम पहुंचेगा तो सभी परिवार के लोग मुझे आशीर्वाद देंगे, और जब परिवार के बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है ना, तो नई ऊर्जा मिलती है, नई शक्ति मिलती है, और मैं उसके लिए दौड़ता रहूंगा, आपके लिए दौड़ता रहूंगा। और पहले ही मैंने कहा था, मेरा पल पल आपके नाम, मेरा पल पल देश के नाम। और इसलिए मेरा संकल्प है 24/7
24/7 for 2047। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए 24/7 हर पल आपका। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की जय। माई पूरण देवी, बिसहरी माई की जय। मैं भक्त प्रहलाद और महर्षि मही बाबा की इस पावन धरती को नमन करता हूं। मौर्य साम्राज्य के रूप में भारत के गौरव को दूर दूर तक फैलाने वाले सम्राट अशोक की आज जयंती भी है। उनसे प्रेरणा लेने वाले बड़ी संख्या में लोग आज भाजपा को अपना आशीर्वाद देने आए हैं। एनडीए सरकार की तीसरी पारी को लेकर पहले से भी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। आपका ये उत्साह बता रहा है, फिर एक बार विकसित भारत के लिए 4 जून। साथियों, आज एनडीए सरकार के लिए वंचित शोषित वर्ग हमारी पहली प्राथमिकता है। जिसको किसी ने नहीं पूछा, हम उसको पूज रहे हैं। एक समय था जब केंद्र की सरकारें बिहार को पिछड़ा कहकर पीछा छुड़ा लेती थी। बिहार की सरकारें सीमांचल को पिछड़ा कहकर के पलड़ा झाड़ लेती थी, लेकिन हमने सीमांचल और पूर्णिया के पूर्ण विकास को अपना मिशन बनाया है। एनडीए सरकार ने सीमांचल के भाग्य को बदलने के लिए आकांक्षी जिला और अब आकांक्षी ब्लॉक ऐसी बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना चलाई। आज हमारे पूर्णिया ने देश में सबसे बेहतर प्रगति करने वाले आकांक्षी जिलों में अपनी जगह बनाई है। मैं इसके लिए पूर्णिया के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आपका उत्साह
अद्भुत है। ऐसा उत्साह बहुत कम ही देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपका उत्साह मेरी आवाज पहुंचने ही नहीं देगा तो फिर इस सभा का फायदा क्या होगा? तो मेरी बात वहां बैठे लोग सुन सके, इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आपके नारे आपके उत्साह को थोड़ा नीचे करें तो अच्छा होगा। करेंगे मेरी बात को? मेरी बात को मानेंगे? पक्का मानेंगे? बिहार के लोग इतने बढ़िया है, यहां के नौजवान इतने बढ़िया है कि मेरी हर बात को स्वीकार करते हैं, ये मेरा सौभाग्य है। साथियों, बिहार और पूर्णिया के पास सामर्थ्य की कभी कमी नहीं थी। हमारे बिहार का किसान भरपूर मक्का उत्पादन करता है। बिहार में जूट और मखाने की खेती भी खूब होती है। पिछले 10 वर्षों में हमने जूट की एमएसपी को बढ़ाकर 2 गुना किया है। बिहार का 20% मखाना अकेले पूर्णिया के किसान ही पैदा करते हैं। हमने आपके इस सामर्थ्य को प्रोत्साहन दिया, नतीजा ये हुआ कि आपने मखाना के सीड प्रोडक्शन को करीब 2 गुना कर दिया। आज एनडीए सरकार मखाने को सुपर फूड के रूप में प्रमोट कर रही है। मोटे अनाज यानी श्री अन्न की तो मोदी ने पूरी दुनिया में मार्केटिंग की है। आपने G20 में देखा होगा, मोदी ने दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को श्री अन्न मोटा अनाज खिलाया, कहा कि हमारे छोटे किसानों की मेहनत है इसमें। अब मोटा अनाज गरीब का खाना नहीं, अमीरों का खाना बन रहा है। इसका फायदा सीधे हमारे किसानों तक पहुंच रहा है। मक्के को भी मुनाफे की फसल बनाने के लिए हमारी सरकार ने एमएसपी पर खरीद बढ़ाई और अब तो मक्के से एथेनॉल भी बनाया जा रहा है। देश का पहला, पूरे भारत का पहला ग्रीन फील्ड एथेनॉल प्लांट पूर्णिया में लगाया गया है। हमारे नीतीश जी ने ही इसका उद्घाटन किया था। साथियों, कृषि और उद्योग के इन अवसरों को गति देने के लिए पूर्णिया में रेल और रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आधुनिक बनाया जा रहा है। कुछ समय पहले ही मैंने कटिहार जोगबानी रेल सेक्शन के विद्युतीकरण लोकार्पण किया था। हमारी सरकार सीमांचल में अच्छी सड़कों का निर्माण भी करवा रही है और अब तो वो दिन दूर नहीं जब पूर्णिया में हवाई जहाज भी उतरेगी। हमारी सरकार सीमांचल में वंदे भारत, नमो भारत जैसी ट्रेनों के जरिए कनेक्टिविटी बढ़ाने
और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी काम करेगी। साथियों, मोदी के लिए आपके सपने ही मोदी का संकल्प है, इसलिए गांव, गरीब, दलित, वंचित, दशकों से जिन समस्याओं से जूझ रहे थे, मोदी ने 10 साल में उनका समाधान दिया है। देश के 25 करोड़ गरीबी से बाहर तब आए जब हमने दिन रात उनके लिए मेहनत की। देश के 4 करोड़ गरीबों को पीएम आवास तब मिला जब आपने मोदी को सेवा करने का आशीर्वाद दिया। देश के 50 करोड़ से ज्यादा दलितों, वंचितों, गरीबों का बैंक में खाता तब खुला जब आपने मोदी को आशीर्वाद देकर के सेवा करने का मौका दिया। करोड़ों माताओं बहनों को चूल्हे के धुएं से मुक्ति तब मिली जब मोदी ने उज्ज्वला सिलेंडर देकर उनकी सूद ली। देश के 11 करोड़ परिवारों तक पहली बार पाइप से पानी तब पहुंचा जब मोदी ने हर घर जल को अपना मिशन बनाया। आज 11 करोड़ छोटे किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि भी एनडीए सरकार ही भेज रही है। इन योजनाओं का बहुत बड़ा लाभ हमारे ततमा समाज, महलदार समाज और ऋषिदेव समाज के मेरे परिजनों को भी हुआ है। लेकिन साथियों, मोदी इतने से संतुष्ट नहीं है। जो काम हुआ है ना, वो तो ट्रेलर है ट्रेलर। अभी हमें पूर्णिया को, सीमांचल को, बिहार को और पूरे हिंदुस्तान को बहुत आगे लेकर जाना है। कई बार लोग पूछते हैं कि मोदी के लिए समाज के आखिरी पायदान पर खड़ा व्यक्ति, हमारा दलित, पिछड़ा, आदिवासी, ये इतनी प्राथमिकता क्यों है? ये समाज मोदी की प्राथमिकता इसलिए है क्योंकि यही समाज सबसे ज्यादा गरीबी से प्रभावित है और मोदी गरीबी से ही निकलकर आपके बीच आया है। मोदी के ऊपर अपने इस समाज का, बाबा साहब का और उनके संविधान का बहुत बड़ा कर्ज है। इसलिए हमारी सरकार ने संविधान को एक श्रद्धा का स्थान मिले, संविधान को आस्था का स्थान मिले, संविधान के प्रति देश का प्रत्येक व्यक्ति समर्पित हो, संविधान की भावना को हर देशवासी तक पहुंचाने के लिए लगातार काम किया है। हमारी ही सरकार ने देश में संविधान दिवस मनाने की शुरुआत की। आज बाबा साहब के संविधान को सेलिब्रेट करने के लिए बच्चों के स्कूलों से लेकर सुप्रीम कोर्ट और संसद तक में कार्यक्रम किए जाते हैं।
और ये वर्ष तो बहुत विशेष है। इस साल संविधान के 75 वर्ष की शुरुआत हो रही है। जैसे हमने आजादी के 75 वर्ष पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, इसी तरह इस वर्ष हमें संविधान के 75 वर्ष का पर्व मनाना है। हमने तय किया है हम देश के कोने कोने में बाबा साहब के संविधान की भावना को लेकर जाएंगे। देश की युवा पीढ़ी को देश की गौरवशाली संविधान के निर्माण की प्रक्रिया, उसके अध्याय, उसका महत्व बताएंगे। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने आपातकाल में संविधान को रद्द करने, संविधान को बंधक बनाने और संविधान को तोड़ने मरोड़ने का काम किया था। हमें याद रखना है जो लोग 57 सरकार को एक परिवार की मुट्ठी में रखना चाहते हैं, संविधान उनकी आंखों में हमेशा खटकता है। इसलिए अब ये लोग संवैधानिक व्यवस्था से हुए चुनाव के नतीजों को अस्वीकार करने की धमकी देने लगे हैं। लेकिन इनके मंसूबे कामयाब न हो, संविधान दलित, पिछड़ा, आदिवासी की ताकत बना रहे, इसके लिए हमें एकजुट होकर साथ खड़े रहना है। साथियों, अगले 5 वर्षों के कामकाज के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। इस संकल्प पत्र में मोदी ने गारंटी दी है देश के सभी जरूरतमंदों को आगे भी फ्री राशन, मुफ्त राशन मिलता रहेगा। मोदी ने गारंटी दी है गरीब, दलित, वंचित के कल्याण से जुड़ी योजनाओं को हम हर जरूरतमंद तक लेकर जाएंगे। हमारी सरकार 3 करोड़ नए पक्के घर बनाएगी। देश में 70 साल से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को मुफ्त इलाज की जिम्मेदारी भी सरकार उठाएगी। आप अपने परिवार में अपने बुजुर्गों को कह दीजिए अब वो बीमारी को छुपाए नहीं, अगर कोई तकलीफ है तो मोदी बैठा है। ये मोदी की गारंटी है। साथियों, पिछले 10 वर्षों में एनडीए सरकार ने वो काम किए हैं जिन्हें पहले असंभव माने जाते थे। आज हर कोई कह रहा है बड़े कामों का दम सिर्फ भाजपा के पास है, एनडीए के पास है। आपको याद होगा पहले अड़ोस पड़ोस के देश यहां हमला करके चले जाते थे, सीमा पर हमारे जवानों की आए दिन शहादत होती थी। आप लोगों को दुख के साथ ही गुस्सा भी आता था, आपका मन करता था ना कि इन्हें घर में घुसकर मारो। मोदी ने आपकी इच्छा का पालन किया और इसका नतीजा क्या हुआ? जो देश हमें आंखें दिखाता था
वो कटोरा लेकर के भटक रहा है। साथियों, दशकों से देश में लोग मांग कर रहे थे कि कश्मीर में अलग झंडा, अलग संविधान नहीं चलना चाहिए। जो लोग दिन रात संविधान के नाम पर हमको गालियां देते हैं ना, इतने दशकों तक उन्होंने राज किया, आजादी के बाद उनके हाथ में सत्ता आई, अब तक आई, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं थी कि बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान को जम्मू कश्मीर में लागू कर पाए। बाबा साहब का संविधान वहां लागू नहीं होता था। ये मोदी है जो संविधान को समर्पित है। आज जम्मू कश्मीर में भी आन बान शान के साथ हमारा संविधान लागू हो गया। कश्मीर से आपकी इच्छा थी 370 हटनी चाहिए, तो ये गमंडिया गठबंधन वाले क्या कहते थे? ये कहते थे कि 370 हटी तो कश्मीर में आग लग जाएगी। आज आर्टिकल 370 का द एंड हो चुका है। अगर कश्मीर में नहीं, भारत को बांटने वालों के मंसूबों में जलन हो रही है, आग लगी है। साथियों, कल रामनवमी का पवित्र त्योहार भी है। ये लोग राम मंदिर के लिए भी यही कहते थे, बोलते थे कि राम मंदिर बना तो देश में आग लग जाएगी। आज हमारा राम मंदिर पूरी दुनिया में भारत का गौरव बढ़ा रहा है। अब कुंठा में गिरे ये कांग्रेस के लोग, गमंडिया गठबंधन के लोग राम मंदिर का अपमान कर रहे हैं। गमंडिया गठबंधन ने तो सनातन को मिटाने की कसम खा रखी है। 26 अप्रैल को आपका वोट इन्हें बताएगा कि सनातन मिटता है या ये लोग रहते हैं। साथियों, हमारा सीमांचल बिहार का एक संवेदनशील इलाका है। वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने पूर्णिया और सीमांचल को अवैध घुसपैठ का ठिकाना बनाकर यहां की सुरक्षा को दांव पर लगाया है। इसका शिकार हमारे दलित, वंचित, पिछड़े और गरीब को होना पड़ा है। हमारे दलित भाइयों के घरों तक को जलाया गया था। लेकिन मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाला हर तत्व सरकार की नजर में है। 4 जून का परिणाम इसी सीमांचल की सुरक्षा तय करेगा। और जो लोग राजनीतिक फायदे के लिए सीएए का विरोध कर रहे हैं, वो भी एक बात जरूर जान ले, ये मोदी है ये न डरने वाला है और ना ही झुकने वाला है। साथियों,
आपने वो दौर भी देखा है जब बिहार में जंगल राज था। उस समय बिहार के इस इलाके में महाजंगल राज हुआ करता था। हिंसा, अराजकता, अपहरण और भ्रष्टाचार का यहां उद्योग चलता था। नीतीश जी के नेतृत्व में हमने बहुत मुश्किल से उस दौर को बदला है, लेकिन आज एक बार फिर जंगल राज और महाजंगल राज वाले लोग उस दौर की वापसी चाहते हैं। इनका एक ही एजेंडा है, भ्रष्टाचार और लूट। हमारे पूर्णिया में कहते हैं ना, हर भय से खर खाए, बकरी खाए अचार। भाव ये मेहनत गरीब जनता करे और मलाई ये आरजेडी वाले लूटे। मोदी के रहते ये मुमकिन नहीं है, इसलिए सब भ्रष्टाचारी के लूट के ठिकाने बचाने के लिए वो अब एक हो रहे हैं। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, ये कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। मैं आपको एक गारंटी देता हूं, अगले 5 साल भ्रष्टाचार के खिलाफ और बड़ी कार्रवाइयों के 5 साल मान के चलिए। साथियों, पूर्णिया से एनडीए उम्मीदवार श्री संतोष कुमार जी, और कटिहार से दुलाल चंद्र गोस्वामी जी, ये हमारे प्रत्याशी हैं। 26 अप्रैल को आपको इसी उत्साह के साथ इन्हें वोट करना है। पूर्णिया और कटिहार से जीत का रिकॉर्ड बनाना चाहिए। बनाओगे? घर घर जाओगे? पोलिंग बूथ जीतोगे? पोलिंग बूथ जीतना है जीतोगे? हर पोलिंग बूथ जीतना है जीतोगे? अच्छा, मेरा एक और काम करोगे? करोगे क्या? ये मेरा काम है, करोगे? देखिए, यहां से जाने के बाद घर घर जाइए और जाकर के सबसे कहिए कि हमारे मोदी जी आए थे, उन्होंने आपको प्रणाम कहा है। मेरा प्रणाम पहुंचा दोगे? देखिए, मेरा प्रणाम पहुंचेगा तो सभी परिवार के लोग मुझे आशीर्वाद देंगे, और जब परिवार के बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है ना, तो नई ऊर्जा मिलती है, नई शक्ति मिलती है, और मैं उसके लिए दौड़ता रहूंगा, आपके लिए दौड़ता रहूंगा। और पहले ही मैंने कहा था, मेरा पल पल आपके नाम, मेरा पल पल देश के नाम। और इसलिए मेरा संकल्प है 24/7 फॉर 2047 विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए 24/7 हर पल आपका। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की,
भारत माता के जय माई पूर्ण देवी, विषहरी माई की जय। मैं भक्त प्रहलाद और महर्षि मही बाबा की इस पावन धरती को नमन करता हूं। मौर्य साम्राज्य के रूप में भारत के गौरव को दूर दूर तक फैलाने वाले सम्राट अशोक की आज जयंती भी है। उनसे प्रेरणा लेने वाले बड़ी संख्या में लोग आज भाजपा को अपना आशीर्वाद देने आए हैं। एनडीए सरकार की तीसरी पारी को लेकर पहले से भी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। आपका ये उत्साह बता रहा है फिर एक बार विकसित भारत के लिए 4 जून साथियों, आज एनडीए सरकार के लिए वंचित शोषित वर्ग हमारी पहली प्राथमिकता है। जिसको किसी ने नहीं पूछा, हम उसको पूज रहे हैं। एक समय था जब केंद्र की सरकारें बिहार को पिछड़ा कहकर पीछा छुड़ा लेती थी। बिहार की सरकारें सीमांचल को पिछड़ा कहकर के पलड़ा झाड़ लेती थी, लेकिन हमने सीमांचल और पूर्णिया के पूर्ण विकास को अपना मिशन बनाया है। एनडीए सरकार ने सीमांचल के भाग्य को बदलने के लिए आकांक्षी जिला और अब आकांक्षी ब्लॉक ऐसी बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना चलाई। आज हमारे पूर्णिया ने देश में सबसे बेहतर प्रगति करने वाले आकांक्षी जिलों में अपनी जगह बनाई है। मैं इसके लिए पूर्णिया के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आपका उत्साह अद्भुत है। ऐसा उत्साह बहुत कम ही देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपका उत्साह मेरी आवाज पहुंचने ही नहीं देगा तो फिर इस सभा का फायदा क्या होगा? तो मेरी बात वहां बैठे लोग सुन सके, इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आपके नारे आपके उत्साह को थोड़ा नीचे करें तो अच्छा होगा। करेंगे मेरी बात को मानेंगे? पक्का मानेंगे? बिहार के लोग इतने बढ़िया है, यहां के नौजवान इतने बढ़िया है कि मेरी हर बात को स्वीकार करते हैं, ये मेरा सौभाग्य है। साथियों, बिहार और पूर्णिया के पास
सामर्थ्य की कभी कमी नहीं थी। हमारे बिहार का किसान भरपूर मक्का उत्पादन करता है। बिहार में जूट और मखाने की खेती भी खूब होती है। पिछले 10 वर्षों में हमने जूट की एमएसपी को बढ़ाकर 2 गुना किया है। बिहार का 20% मखाना अकेले पूर्णिया के किसान ही पैदा करते हैं। हमने आपके इस सामर्थ्य को प्रोत्साहन दिया। नतीजा ये हुआ कि आपने मखाना के सीड प्रोडक्शन को करीब 2 गुना कर दिया। आज एनडीए सरकार मखाने को सुपर फूड के रूप में प्रमोट कर रही है। मोटे अनाज यानी श्री अन्न की तो मोदी ने पूरी दुनिया में मार्केटिंग की है। आपने G20 में देखा होगा, मोदी ने दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को श्री अन्न मोटा अनाज खिलाया, कहा कि हमारे छोटे किसानों की मेहनत है इसमें। अब मोटा अनाज गरीब का खाना नहीं, अमीरों का खाना बन रहा है। इसका फायदा सीधे हमारे किसानों तक पहुंच रहा है। मक्के को भी मुनाफे की फसल बनाने के लिए हमारी सरकार ने एमएसपी पर खरीद बढ़ाई और अब तो मक्के से एथेनॉल भी बनाया जा रहा है। देश का पहला, पूरे भारत का पहला ग्रीन फील्ड एथेनॉल प्लांट पूर्णिया में लगाया गया है। हमारे नीतीश जी ने ही इसका उद्घाटन किया था। साथियों, कृषि और उद्योग के इन अवसरों को गति देने के लिए पूर्णिया में रेल और रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आधुनिक बनाया जा रहा है। कुछ समय पहले ही मैंने कटिहार जोगबानी रेल सेक्शन के विद्युतीकरण लोकार्पण किया था। हमारी सरकार सीमांचल में अच्छी सड़कों का निर्माण भी करवा रही है और अब तो वो दिन दूर नहीं जब पूर्णिया में हवाई जहाज भी उतरेगी। हमारी सरकार सीमांचल में वंदे भारत, नमो भारत जैसी ट्रेनों के जरिए कनेक्टिविटी बढ़ाने और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी काम करेगी। साथियों, मोदी के लिए आपके सपने ही मोदी का संकल्प है। इसलिए गांव, गरीब, दलित, वंचित दशकों से जिन समस्याओं से जूझ रहे थे, मोदी ने 10 साल में उनका समाधान दिया है। देश के 25 करोड़ गरीबी से बाहर तब आए जब हमने दिन रात उनके लिए मेहनत की। देश के 4 करोड़ गरीबों को पीएम आवास तब मिला जब आपने मोदी को सेवा करने का आशीर्वाद दिया।
देश के 50 करोड़ से ज्यादा दलितों वंचितों गरीबों का बैंक में खाता तब खुला जब आपने मोदी को आशीर्वाद देकर के सेवा करने का मौका दिया। करोड़ों माताओं बहनों को चूल्हे के धुएं से मुक्ति तब मिली जब मोदी ने उज्ज्वला सिलेंडर देकर उनकी सूद ली। देश के 11 करोड़ परिवारों तक पहली बार पाइप से पानी तब पहुंचा जब मोदी ने हर घर जल को अपना मिशन बनाया। आज 11 करोड़ छोटे किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि भी एनडीए सरकार ही भेज रही है। इन योजनाओं का बहुत बड़ा लाभ हमारे ततमा समाज, महलदार समाज और ऋषिदेव समाज के मेरे परिजनों को भी हुआ है। लेकिन साथियों, मोदी इतने से संतुष्ट नहीं है। जो काम हुआ है ना, वो तो ट्रेलर है ट्रेलर। अभी हमें पूर्णिया को, सीमांचल को, बिहार को और पूरे हिंदुस्तान को बहुत आगे लेकर जाना है। कई बार लोग पूछते हैं कि मोदी के लिए समाज के आखिरी पायदान पर खड़ा व्यक्ति हमारा दलित, पिछड़ा, आदिवासी, ये इतनी प्राथमिकता क्यों है? ये समाज मोदी की प्राथमिकता इसलिए है क्योंकि यही समाज सबसे ज्यादा गरीबी से प्रभावित है और मोदी गरीबी से ही निकलकर आपके बीच आया है। मोदी के ऊपर अपने इस समाज का, बाबा साहब का और उनके संविधान का बहुत बड़ा कर्ज है। इसलिए हमारी सरकार ने संविधान को एक श्रद्धा का स्थान मिले, संविधान को आस्था का स्थान मिले, संविधान के प्रति देश का प्रत्येक व्यक्ति समर्पित हो, संविधान की भावना को हर देशवासी तक पहुंचाने के लिए लगातार काम किया है। हमारी ही सरकार ने देश में संविधान दिवस मनाने की शुरुआत की। आज बाबा साहब के संविधान को सेलिब्रेट करने के लिए बच्चों के स्कूलों से लेकर सुप्रीम कोर्ट और संसद तक में कार्यक्रम किए जाते हैं और ये वर्ष तो बहुत विशेष है। इस साल संविधान के 75 वर्ष की शुरुआत हो रही है। जैसे हमने आजादी के 75 वर्ष पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, इसी तरह इस वर्ष हमें संविधान के 75 वर्ष का पर्व मनाना है। हमने तय किया है हम देश के कोने कोने में बाबा साहब के संविधान की भावना को लेकर जाएंगे। देश की युवा पीढ़ी को देश की गौरवशाली संविधान के निर्माण की प्रक्रिया, उसके अध्याय, उसका महत्व बताएंगे। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने आपातकाल में संविधान को रद्द करने, संविधान को बंधक बनाने
और संविधान को तोड़ने मरोड़ने का काम किया था। हमें याद रखना है, जो लोग सत्तावर सरकार को एक परिवार की मुट्ठी में रखना चाहते हैं, संविधान उनकी आंखों में हमेशा खटकता है। इसलिए अब ये लोग संवैधानिक व्यवस्था से हुए चुनाव के नतीजों को अस्वीकार करने की धमकी देने लगे हैं, लेकिन इनके मंसूबे कामयाब न हो संविधान दलित पिछड़ा आदिवासी की ताकत बना रहे, इसके लिए हमें एकजुट होकर साथ खड़े रहना है। साथियों, अगले 5 वर्षों के कामकाज के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। इस संकल्प पत्र में मोदी ने गारंटी दी है देश के सभी जरूरतमंदों को आगे भी फ्री राशन, मुफ्त राशन मिलता रहेगा। मोदी ने गारंटी दी है गरीब दलित वंचित के कल्याण से जुड़ी योजनाओं को हम हर जरूरतमंद तक लेकर जाएंगे। हमारी सरकार 3 करोड़ नए पक्के घर बनाएगी। देश में 70 साल से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को मुफ्त इलाज की जिम्मेदारी भी सरकार उठाएगी। आप अपने परिवार में अपने बुजुर्गों को कह दीजिए, अब वो बीमारी को छुपाए नहीं, अगर कोई तकलीफ है तो मोदी बैठा है। ये मोदी की गारंटी है। साथियों, पिछले 10 वर्षों में एनडीए सरकार ने वो काम किए हैं जिन्हें पहले असंभव माने जाते थे, आज हर कोई कह रहा है बड़े कामों का दम सिर्फ भाजपा के पास है, एनडीए के पास है। आपको याद होगा, पहले अड़ोस पड़ोस के देश यहां हमला करके चले जाते थे, सीमा पर हमारे जवानों की आए दिन शहादत होती थी। आप लोगों को दुख के साथ ही गुस्सा भी आता था, आपका मन करता था ना कि इन्हें घर में घुसकर मारो। मोदी ने आपकी इच्छा का पालन किया और इसका नतीजा क्या हुआ? जो देश हमें आंखें दिखाता था वो कटोरा लेकर के भटक रहा है। साथियों, दशकों से देश में लोग मांग कर रहे थे कि कश्मीर में अलग झंडा, अलग संविधान नहीं चलना चाहिए। जो लोग दिन रात संविधान के नाम पर हमको गालियां देते हैं ना, इतने दशकों तक उन्होंने राज किया, आजादी के बाद उनके हाथ में सत्ता आई, अब तक आई, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं थी कि बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को जम्मू कश्मीर में लागू कर पाए। बाबा साहब का संविधान वहां लागू नहीं होता था। ये मोदी है जो संविधान को समर्पित है,
आज जम्मू कश्मीर में भी आन बान शान के साथ हमारा संविधान लागू हो गया। कश्मीर से आपकी इच्छा थी 370 हटनी चाहिए, तो ये गमंडिया गठबंधन वाले क्या कहते थे? ये कहते थे कि 370 हटी तो कश्मीर में आग लग जाएगी। आज आर्टिकल 370 का द एंड हो चुका है। अगर कश्मीर में नहीं, भारत को बांटने वालों के मंसूबों में जलन हो रही है, आग लगी है। साथियों, कल रामनवमी का पवित्र त्यौहार भी है। ये लोग राम मंदिर के लिए भी यही कहते थे, बोलते थे कि राम मंदिर बना तो देश में आग लग जाएगी। आज हमारा राम मंदिर पूरी दुनिया में भारत का गौरव बढ़ा रहा है। अब कुंठा में गिरे ये कांग्रेस के लोग, गमंडिया गठबंधन के लोग राम मंदिर का अपमान कर रहे हैं। गमंडिया गठबंधन ने तो सनातन को मिटाने की कसम खा रखी है। 26 अप्रैल को आपका वोट इन्हें बताएगा कि सनातन मिटता है या ये लोग रहते हैं। साथियों, हमारा सीमांचल बिहार का एक संवेदनशील इलाका है। वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने पूर्णिया और सीमांचल को अवैध घुसपैठ का ठिकाना बनाकर यहां की सुरक्षा को दांव पर लगाया है। इसका शिकार हमारे दलित, वंचित, पिछड़े और गरीब को होना पड़ा है। हमारे दलित भाइयों के घरों तक को जलाया गया था। लेकिन मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाला हर तत्व सरकार की नजर में है। 4 जून का परिणाम इसी सीमांचल की सुरक्षा तय करेगा। और जो लोग राजनीतिक फायदे के लिए सीएए का विरोध कर रहे हैं, वो भी एक बात जरूर जान ले, ये मोदी है ये न डरने वाला है और न ही झुकने वाला है। साथियों, आपने वो दौर भी देखा है जब बिहार में जंगल राज था। उस समय बिहार के इस इलाके में महाजंगल राज हुआ करता था। हिंसा, अराजकता, अपहरण और भ्रष्टाचार का यहां उद्योग चलता था। नीतीश जी के नेतृत्व में हमने बहुत मुश्किल से उस दौर को बदला है। लेकिन आज एक बार फिर जंगल राज और महाजंगल राज वाले लोग उस दौर की वापसी चाहते हैं। इनका एक ही एजेंडा है, भ्रष्टाचार और लूट। हमारे पूर्णिया में कहते हैं ना, हर भय से खर खाए।
बकरी खाए अचार, भाव ये मेहनत गरीब जनता करे और मलाई ये आरजेडी वाले लूटे। मोदी के रहते ये मुमकिन नहीं है, इसलिए सब भ्रष्टाचारी के लूट के ठिकाने बचाने के लिए वो अब एक हो रहे हैं। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, ये कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ, मैं आपको एक गारंटी देता हूं, अगले 5 साल भ्रष्टाचार के खिलाफ और बड़ी कार्रवाइयों के 5 साल मान के चलिए। साथियों, पूर्णिया से एनडीए उम्मीदवार श्री संतोष कुमार जी, और कटिहार से दुलाल चंद्र गोस्वामी जी, ये हमारे प्रत्याशी हैं। 26 अप्रैल को आपको इसी उत्साह के साथ इन्हें वोट करना है। पूर्णिया और कटिहार से जीत का रिकॉर्ड बनाना चाहिए। बनाओगे? घर घर जाओगे? पोलिंग बूथ जीतोगे? पोलिंग बूथ जीतना है जीतोगे? हर पोलिंग बूथ जीतना है जीतोगे? अच्छा, मेरा एक और काम करोगे? करोगे क्या? ये मेरा काम है, करोगे? देखिए, यहां से जाने के बाद घर घर जाइए और जाकर के सबसे कहिए कि हमारे मोदी जी आए थे, उन्होंने आपको प्रणाम कहा है, मेरा प्रणाम पहुंचा दोगे? देखिए, मेरा प्रणाम पहुंचेगा तो सभी परिवार के लोग मुझे आशीर्वाद देंगे, और जब परिवार के बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है ना, तो नई ऊर्जा मिलती है, नई शक्ति मिलती है, और मैं उसके लिए दौड़ता रहूंगा, आपके लिए दौड़ता रहूंगा। और पहले ही मैंने कहा था, मेरा पल पल आपके नाम, मेरा पल पल देश के नाम। और इसलिए मेरा संकल्प है 24/7 फॉर 2047 विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए 24/7 हर पल आपका। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, 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 जय माई पूर्ण देवी, विषहरी माई की जय। मैं भक्त प्रहलाद और महर्षि मही बाबा की इस पावन धरती को नमन करता हूं। मौर्य साम्राज्य के रूप में भारत के गौरव को दूर दूर तक फैलाने वाले सम्राट अशोक की आज जयंती भी है। उनसे प्रेरणा लेने वाले बड़ी संख्या में लोग आज भाजपा को अपना आशीर्वाद देने आए हैं। एनडीए सरकार की तीसरी पारी को लेकर
पहले से भी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। आपका ये उत्साह बता रहा है फिर एक बार विकसित भारत के लिए 4 जून साथियों, आज एनडीए सरकार के लिए वंचित शोषित वर्ग हमारी पहली प्राथमिकता है। जिसको किसी ने नहीं पूछा हम उसको पूज रहे हैं। एक समय था जब केंद्र की सरकारें बिहार को पिछड़ा कहकर पीछा छुड़ा लेती थी। बिहार की सरकारें सीमांचल को पिछड़ा कहकर के पलड़ा झाड़ लेती थी, लेकिन हमने सीमांचल और पूर्णिया के पूर्ण विकास को अपना मिशन बनाया है। एनडीए सरकार ने सीमांचल के भाग्य को बदलने के लिए आकांक्षी जिला और अब आकांक्षी ब्लॉक ऐसी बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना चलाई। आज हमारे पूर्णिया ने देश में सबसे बेहतर प्रगति करने वाले आकांक्षी जिलों में अपनी जगह बनाई है। मैं इसके लिए पूर्णिया के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आपका उत्साह अद्भुत है। ऐसा उत्साह बहुत कम ही देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपका उत्साह मेरी आवाज पहुंचने ही नहीं देगा तो फिर इस सभा का फायदा क्या होगा? तो मेरी बात वहां बैठे लोग सुन सके, इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आपके नारे आपके उत्साह को थोड़ा नीचे करें तो अच्छा होगा। करेंगे मेरी बात को मानेंगे? पक्का मानेंगे? बिहार के लोग इतने बढ़िया है, यहां के नौजवान इतने बढ़िया है कि मेरी हर बात को स्वीकार करते हैं।